हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नेम, फेम और पॉपुलैरिटी में सबको इंटरेस्ट होता है और सब होना भी चाहते हैं, और इसके लिए सब ने कभी ना कभी फेसबुक पे आईडी बनाकर अपने आप को गूगल पे तो सर्च किया ही होगा। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबका जवाब मिलता है, और उसका साथ देता है विकिपीडिया, अ पॉपुलर वेबसाइट जो सब कुछ बताता है। गूगल पर जब किसी चीज़ को या किसी आर्टिकल को पढ़ना होता था तो हम हमेशा गूगल पर विकिपीडिया ज़रूर लगाते थे। अब दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे आज गूगल विकिपीडिया की बातें क्यों हो रही है, तो दोस्तों आज की मिस्टीरियस वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। क्या हो दोस्तों अगर आप अपने आप को गूगल पर सर्च करें और कोई विकिपीडिया आपके बारे में बताए, और साथ साथ आपके साथ होने वाली फ्यूचर में किसी इवेंट को भी प्रिडिक्ट करें। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनोवा पेट्रोवा। दोस्तों, एनोवा एक स्केटर थी जिनका जन्म पोर्टलैंड में हुआ था। इन्होंने 10 साल की उम्र में ही स्केटिंग स्टार्ट कर दी थी और 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। मिस्टर सर्गी ने एनोवा को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। मिस्टर सर्गी काफ़ी फेमस स्केटर थे, पर इस समय एनोवा के साथ डरावनी घटनाएं घट रही थी। आइस क्रिस्टल कंपटीशन की पिछली रात में एनोवा काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि लाइफ का पहला कंपटीशन था और वो काफ़ी नर्वस थी। माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपना खुद का नाम गूगल किया। पहले कुछ सर्च रिजल्ट्स में स्केटिंग के रिजल्ट्स आए, पर जब वो नीचे स्क्रॉल करके गई तो उन्हें एक लिंक मिला जो विकिपीडिया का था और उन्हीं के नाम से बना हुआ था। वो काफ़ी क्यूरियस थी क्योंकि उन्हें अपने बारे में देखना था, पर जब वो विकिपीडिया खुला तो उसमें लिखा था कि एनोवा आइस क्रिस्टल कंपटीशन जीत गई, जो कि बहुत अजीब था। और ये प्रिडिक्शन सच निकली, बट कैसे? एनोवा अगले दिन ही मैच जीत गई और उनको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि कैसे कोई प्रिडिक्शन इतनी परफेक्ट दे सकता है। उन्हें लगा ये पेज उनके पिता ने बनाया है उन्हें मोटिवेट करने के लिए, पर जब वो अपने पिता के पास इस पेज से रिलेटेड बात करने गई तो उनके पिता ने मना कर दिया। अगले मैच की तैयारी में एनोवा विकिपीडिया को भूल गई, और फिर वन डे बिफोर मैच टेंशन में उन्होंने प्रिडिक्शन देखने का फैसला लिया, और फिर उसमें लिखा था कि एनोवा मैच जीत गई, और वही हुआ कि एनोवा मैच जीत गई। ऐसे करते करते एनोवा बहुत सारे मैचेस जीत गई और प्रिडिक्शंस सच निकली। अब बारी थी उनके बड़े मैच की। इस बार एनोवा ने सोचा कि कुछ अलग करें, और उन्होंने पेज एडिट करने का सोचा। जब एनोवा विकिपीडिया के उस पेज को एडिट करने गई तो वो एडिट करने से ब्लॉक हो गई, और इस बार विकिपीडिया का पेज एक अलग वे में अपडेट हुआ, और उसमें जो लिखा था वो था सब नेगेटिव, जो कि एनोवा के अगेंस्ट था। अब उसमें नेगेटिव बातें लिखी थी और उसमें लिखा था एनोवा एक मतलबी लड़की है और उसे अब वो मिलेगा जो उसकी किस्मत में है। अब एनोवा को शक हुआ अपने करीबी कॉम्पिटिटर पर, और उन्होंने उस कॉम्पिटिटर को लेटर लिखने का सोचा, और वो लेटर लिखा, बट वो लेटर कभी सेंट ही नहीं हुआ, और वो लेटर बाद में पुलिस को मिला। अब प्रिडिक्शन में यह आया कि एनोवा का स्केटिंग करियर ख़त्म हो जाएगा, और वैसा हुआ जब उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के स्केट में कुछ गड़बड़ की है, और इसी के चलते उन्हें चैंपियनशिप से बाहर किया जा रहा है और उन पर बैन भी लगाया जा रहा है। अब एनोवा ने सोचा कि इस विकिपीडिया के पेज को बंद करवा दिया जाए, इसलिए उन्होंने विकिपीडिया को कंप्लेंट की, बट विकिपीडिया ने ये बोला कि ऐसा कोई भी पेज उनकी लिस्ट में नहीं है। अब एनोवा को आदत हो गई थी इस पेज को चेक करने की, और कुछ दिन बाद ये अपडेट हुआ कि एनोवा एक अनाथ लड़की है और उसके असली माता पिता एक भयानक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये खबर सुनकर एनोवा अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो काफ़ी डर गई। उन्होंने अपने माता पिता को कॉन्टैक्ट किया जो कि बाहर गए हुए थे एक फंक्शन में, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और कुछ दिन बाद पता चला कि एनोवा के माता पिता भयानक एक्सीडेंट में मारे गए हैं।
ये सुनने के बाद एनोवा हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। कुछ साल तक एनोवा स्केटिंग नहीं कर पाई और उसके बाद एनोवा ने सोचा कि वो कमबैक करेंगी और वो वापसी आई। उन्होंने ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की और इस बार उन्होंने सोचा कि वो क्लब चेंज करेंगी और उन्होंने यूरोपियन स्केटिंग ग्रुप ज्वाइन किया। जब दोबारा उन्होंने ये पेज खोला तो उस पर लिखा था एनोवा पोट्रोवा, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 में हुई है, जो कि एक स्केट विनर थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। वो एक अनाथ लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा लालची थी। पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा। एनोवा अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे थी और कंप्यूटर पे एक लेटर खुला था जो कि उन्होंने अपनी दोस्त को लिखा था। उस पर अटैच फाइल में एनोवा ने लिखा था, आधी रात होने में कुछ ही देर बची है और मैं पेज रिफ्रेश के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं थक चुकी हूँ पर मैं रुक भी नहीं सकती। मुझे कंप्यूटर से उठने में भी डर लग रहा है, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी का सोर्स है क्रिपी पास्ता। क्रिपी पास्ता ने इस कहानी को पब्लिश किया है। एनोवा पेट्रोवा के साथ हुई हुई घटना आपको मिस्टीरियस लगती है या एक प्लान्ड साजिश, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।